लोकसभा अध्यक्ष के निवास पर हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। डॉक्टर के अग्रवाल की अगुवाई में डॉक्टरों की एक टीम ने लोकसभा अध्यक्ष के सामने अलग अलग स्वास्थ्य उपकरणों का प्रदर्शन किया। कार्यशाला में बताया गया कि आम लोग जागरूकता के बल पर कम लागत में अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर रख सकते हैं। ये एक मशीन है जिसके ऊपर में आप जब CPR देंगे मरीज को, जैसे हम CPR देंगे तो इसके अंदर में आवाज आएगी, बोलेगा ठीक दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। इस कार्यशाला के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने स्वास्थ्य के महत्व के विषय में भी बताया। जो इस पूरे देश के अंदर फिट इंडिया मूवमेंट, भारत स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, खुशहाल रहे, इन सबकी नींव स्वास्थ्य पर निर्भर है। और मेरा मानना है कि दुनिया के अंदर अब सभी देश स्वास्थ्य पर चिंता करने लगे हैं। मैं हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस समाज जीवन के अंदर सामाजिक रूप से संपूर्ण देश के अंदर स्वास्थ्य के लिए जागरूकता, क्योंकि हमें अब हमारे मूवमेंट को बदलना पड़ेगा। पहले हम बीमार व्यक्तियों का इलाज करते थे, अब बीमारी होने से रोकने के विकल्पों की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है और उस दुनिया के बहुत बड़े देश के अंदर होने के बाद भी अभी भी हमारी कुछ आबादी शिक्षा से दूर है। जैसे जैसे शिक्षा जहां पहुंची, स्वस्थ होने की प्रक्रिया भी पहुंचती चलेगी। लेकिन इतने बड़े देश के अंदर जब तक सामाजिक रूप से समाज जागरूक नहीं होगा, हार्ट केयर ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरह जो अपनी जिंदगी भर लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते रहे, अब सामाजिक रूप से समाज के हर व्यक्ति को स्वस्थ रखने का उन्होंने संकल्प लिया है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उनका मूवमेंट, उनका ये आंदोलन धीरे धीरे समाज के और लोगों को जोड़ेगा, क्योंकि दिल्ली राजधानी से नहीं, हमें समाज के अंतिम गांव तक पहुंचना पड़ेगा। और समाज के अंतिम गांव तक स्वस्थ बनाने के लिए इस फाउंडेशन को अपनी इकाइयां गांव, ढाणी, शहर तक पहुंचाकर समाज के कुछ जागरूक लोगों को जोड़कर, अच्छे चिकित्सक को जोड़कर जो समाज में अपना योगदान देते हैं, उन सबको एक साथ मिलकर किस तरीके से हम हर व्यक्ति को स्वस्थ रख सकें, इसके लिए व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। संसद में हमारे 130 करोड़ जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं, मैं उन सब से भी आग्रह करूंगा कि वह सब अपनी अपनी जनता को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं इसका संकल्प लें। फिट इंडिया मूवमेंट जब भी पूरा होगा, जब संपूर्ण जनप्रतिनिधि सामूहिक रूप से इसका प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हम जल्दी अपने संकल्पों को पूरा कर पाएंगे। इस कार्यशाला का लक्ष्य आम लोगों को किफायती दाम में स्वास्थ्य को बेहतर रखने के उपायों से अवगत कराना था।